नमस्कार, घर का जायका विद सरोज चैनल पर आपका स्वागत है। पूजा पाठ, आरती या विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में आमतौर पर धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूरा वातावरण तो सुगंधित होता ही है, सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसलिए हम लोग बाजार से धूप बत्ती लाकर अपने घर में रखते ही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बाजार की धूप बत्ती नहीं बल्कि अपने घर में बनाई धूप बत्ती का प्रयोग करते हुए दिखाऊंगी। पूजा के लिए धूप बत्ती आप भी आसानी से अपने घर में कैसे बना सकती हैं, यह मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। धूप बत्ती बनाने के लिए हमें चाहिए एक डिब्बा हवन सामग्री, 10-12 अगरबत्ती, एक छोटा टुकड़ा उपले का, एक छोटी डिब्बी लोबान, एक छोटा डिब्बा कपूर, 10-15 लंबी धूप स्टिक, एक कटोरी देसी घी और थोड़ी सी फूलों की पंखड़ियाँ। इसके अलावा कुछ सामग्री मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले हम उपले को किसी हथौड़ी या बट्टे की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसके बाद हम अगरबत्ती से इस तरह से स्टिक अलग कर लेंगे। अब हम फूलों की पंखुड़ियों को मिक्सी के जार में डालेंगे। ऊपर से लंबी धूप बत्ती के टुकड़े, कपूर की टिक्कियाँ, अगरबत्ती का चूरा और लोबान डालकर सबको एक साथ ग्राइंड करके निकाल लेंगे। इसके बाद इन सारी सामग्रियों को उपले के टुकड़ों में मिलाएंगे। इन्हें 2-3 बार मिक्सी में पुनः पीसकर इसका महीन पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि 2-3 बार मिक्सी में चलाने से धूप बत्ती के लिए पाउडर इस तरह बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऊपर से हवन सामग्री और धीरे धीरे देसी घी डालकर मिश्रण को हाथ से अच्छी तरह मिलाएंगे। अब जो सामग्री मैं आगे बताने जा रही हूँ वो है आधा कटोरी के लगभग गंगाजल, 4-5 चम्मच पीले चंदन का पाउडर और 5-6 बड़े चम्मच शहद। अब इन सामग्रियों को धीरे धीरे मिश्रण में डालकर मिला लेंगे। शहद डालने से मिश्रण पूरी तरह से चिपकने लगता है, जिससे धूप बत्तियाँ आसानी से बन जाती हैं। देखिए, धूप बत्ती के लिए मिश्रण अच्छी तरह तैयार है। अब हम इस मिश्रण को हथेली पर रखकर हाथ से छोटी छोटी धूप बत्ती इस तरह बनाएंगे। जब तक ये बत्तियाँ बन रही हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, ये सारी धूप बत्तियाँ बनकर तैयार हो गई। अब हम इन्हें धूप में रखेंगे 6-7 घंटे और उसके बाद पूजा में यूज करेंगे। पाँच छः घंटे धूप में रखने के बाद देखिए, ये मेरी सारी बत्तियाँ सूख गई हैं। अब हम इन्हें जलाकर दिखाते हैं। वाह, क्या खुशबू है, सारा घर सुगंध से भर गया। आप भी इन सामग्रियों से घर पर धूप बत्ती बना सकती हैं और घर में कहीं भी जलाकर वातावरण को सुगंधित कर सकती हैं। घर में ही धूप बत्ती बनाने का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।